टोयोटा इंडिया में अपनी बेस्ट सेलर में से एक इनोवा एमपीवी को जल्द ही अपने हाइब्रिड अवतार में लॉन्च करेगी। टोयोटा ने हाल ही में इनोवा हाईक्रॉस का एक टीजर पोस्ट किया है, जिसमें एक नया फ्रंट देखा जा सकता है। एमपीवी में नई ग्रिल, स्लीक हेडलैम्प और रीस्टाइल बम्पर दिए गए हैं। क्रोम हाइलाइट्स का भी काफी यूज देखने को मिलेगा आपको इनोवा हाईक्रॉस में। हालांकि क्रोम पैटर्न काफी स्टाइलिश होंगे पहले के मुकाबले। नए अपडेट्स के चलते काफी बोल्ड रोड प्रेजेंस देखने को मिलेगा नई इनोवा हाईक्रॉस में। टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस पेटेंट लीक। टोयोटा न्यू ग्लोबल आर्किटेक्चर TNGAC पर बेस्ड हल्के मोनोकॉक चेसिस के साथ इनोवा हाईक्रॉस स्ट्रक्चरली डिफरेंट होगी। मौजूदा मॉडल में कन्वेंशनल लेडन फ्रेम चेसिस मिलती है। इनोवा हाईक्रॉस राइड क्वालिटी, ओवरऑल कंट्रोल और हैंडलिंग और फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में बेहतर होगी। पेटेंट की इमेजेस अब लीक हो गई है। यह पैनोरमिक सनरूफ का होना कंफर्म करती है। यह पहली बार है जब इनोवा को सनरूफ के साथ पेश किया जाएगा। हालांकि इसे मौजूदा इनोवा की कुछ खूबियों को छोड़ना पड़ सकता है, जो अपनी मजबूती और लोड बेयरिंग कैपेसिटी की क्षमताओं के लिए जानी जाती है। मौजूदा इनोवा क्रिस्टा फ्लीट सेगमेंट के लिए अवेलेबल रह सकती है। इनोवा हाईक्रॉस के लिए एक और इम्पोर्टेंट चेंज RWD सेटअप होगा। RWD के कुछ मेन बेनिफिट्स में बेटर ट्रैक्शन, रिडक्शन इन ओवरऑल वेट ऑफ व्हीकल और ग्रेटर टैक्टाइल फीडबैक ऑन द स्टीयरिंग व्हील शामिल है। एक FWD सेटअप आमतौर पर सस्ता और लो मेंटेनेंस वाला माना जाता है। अंदर टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस को काफी सारे हाई एंड फीचर्स भी मिलेंगे। इसमें पैनोरमिक सनरूफ, बीच की रो सीटों में ओटोमन फंक्शन, मल्टी कलर्ड एम्बियंट लाइट और फ्लैट फ्लोर शामिल है। सेफ्टी किट में 360 डिग्री कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर्स शामिल होंगे। ADAS फीचर्स टोयोटा सेफ्टी सेंस प्लेटफॉर्म के जरिए इनोवा हाईक्रॉस के साथ भी अब अवेलेबल होंगे। इसमें रोड साइन असिस्ट, ऑटोमेटिक हाई बीम, लेन डिपार्चर अलर्ट, प्रोएक्टिव ड्राइविंग असिस्ट, पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन के साथ प्री कोलिशन सिस्टम और डायनेमिक रडार क्रूज कंट्रोल है। इनोवा हाईक्रॉस हाइब्रिड पावर ट्रेन। इनोवा हाईक्रॉस को टोयोटा हाइब्रिड सिस्टम का लोकलाइज्ड वर्जन THS2 मिल सकता है। यह डुअल इलेक्ट्रिक मोटर सेटअप के साथ आता है। मौजूदा 2.7 लीटर पेट्रोल मोटर को या तो नए 2.0 लीटर या 1.8 लीटर पेट्रोल मोटर से बदला जाएगा। हाइब्रिड पावरट्रेन बेटर माइलेज और बेहतर स्टेप ऑफ टॉर्क जैसे इम्प्रूवमेंट्स प्रोवाइड करेगा। मौजूदा 2.7 लीटर पेट्रोल मोटर अधिकतम 166 PS की पावर और 245 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ साथ 5 स्पीड मैनुअल या 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिखने को मिलता है। इनोवा हाईक्रॉस का एक और नोटेबल एस्पेक्ट यह भी है कि इसे एक मारुति सिबलिंग भी मिल सकता है।